पूरा दिन पिछले दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बिकॉज कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इसका फीड, फिर इसका सोना, फिर इसका नहाना, इसकी मालिश, फिर हर चीज बैक टू बैक चलती रहती है। आई मीन, आप में से कई लोग तो इस फेज से जो है गुजर चुके होंगे, एंड आई एम श्योर आप लोग हमें काफ़ी कुछ टिप्स भी दे पाओगे। एंड हमारे लिए अभी ये थोड़ी शुरुआत है इस फेज की, थोड़ी ये न्यू जर्नी जो है ये अभी शुरू हुई है। सो यूज़ टू हो रहे हैं अभी भी ऑब्वियसली, बिकॉज इसके हिसाब से जो है पूरा रूटीन अभी हमारा बन रहा है। तो आज अभी भी जस्ट फीड लेके लेटा है मेरी गोद में, एंड मैंने सोचा कि चलो कुछ तो स्टार्ट करूं, और फिर सो मेनी थिंग्स टू शेयर, सो मेनी थिंग्स टू टॉक। तो शुरुआत, कल पूरा दिन मौका नहीं मिला कि मैं हेयर वॉश करूँ। मैं ऐसे ही 5 मिनट में जल्दी जल्दी से नहा के आ गई थी, तो आज मैंने ये सोया था आज काफ़ी देर पीसफुली, तो मैं आराम से जो है अपना हेयर वॉश करके आई हूँ। बट इट्स ऑल फन, मतलब इस तरीके से अपने लिए टाइम ना मिलना भी, उसमें भी एक अपना ही मजा है। एंड ऑल द मदर्स इन दिस फेज, या जो इस फेज से गुजर चुकी हैं, वो मेरे साथ अग्री करेंगी कि दिस मैडनेस हैज इट्स ओन। बेबी रूहान के आने से दीपिका की जिंदगी बदल गई। दीपिका ने कुछ बातें अपने फैंस के साथ शेयर की। दीपिका ने काफ़ी शॉपिंग की अपने बेबी की रूहान के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बेबी को कपड़े पहनाने के लिए। आप देख रहे होंगे कि कितना खुश नज़र आ रही है। दीपिका का कहना है कि जब बेबी का फेस रिवील हो जाएगा तब ये कपड़े बेबी रूहान को पहनाएंगी और फिर अपने फैंस को दिखाने वाली हैं। दीपिका के चेहरे पर ये खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है। हम यही चाहते हैं कि ये खुशी हमेशा दीपिका के चेहरे पर ऐसी रहे। ये सभी जानते हैं कि दीपिका काफी सालों के बाद माँ बनी हैं, तभी वो इतना खुश हैं। काफी सालों के बाद दीपिका शिव इब्राहिम पेरेंट्स बने हैं, तो ये खुशी आप उनके चेहरे पर देख रहे होंगे। लेकिन कुछ टॉरस का कहना है कि दीपिका शिव इब्राहिम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई अपनी खुशी अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहता है तो ये ओवर एक्टिंग नहीं, ये फैंस के साथ अपने दिल की बात करने वाली बात है। क्या आपको भी लगता है कि दीपिका शिव इब्राहिम अपने बेबी रूहान को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।